नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत पर हमारा खास शो विशुद्ध राजनीति और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। लोकसभा चुनाव के दो चरण का मतदान पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब सभी दल के नेता तीसरे चरण के प्रचार में जुटे हैं। इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र को साधने के लिए आज से दो दिन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोलापुर, कराड़ और पुणे में रैली की, तो वहीं कल यानी 30 अप्रैल को मालशिरस, धाराशिव और लातूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं चुनावी महासमर में राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी ने भी आज नामांकन दाखिल कर दिया है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी चार महायुति उम्मीदवारों के समर्थन में महाविजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि पुणे में लोकसभा चुनाव के तहत चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी। कट्टरतावाद की मानसिकता है और कांग्रेस सिर्फ वोट पाने के लिए इस मेंटालिटी को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है। साथियों, कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के चलते अब देश में एससी एसटी के अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस ने 60 साल के अपने शासन में जो उनकी पहचान बनी है, वो उनके पापों के कारण बनी है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने यहां कर्नाटक को भी अपनी लूट का एटीएम बना दिया है। इतने कम समय में ही इन लोगों ने कर्नाटक का सरकारी खजाना खाली कर दिया। हालत ये हो गई है कि विधायकों को विकास के लिए मिलने वाली विधायक निधि का पैसा तक समय से नहीं मिल पा रहा है। वहीं आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ से अपना नामांकन भरा। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह नामांकन से पहले भगवान की शरण में पहुंचे। उन्होंने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रोड शो किया और लोगों से वोट देने की अपील की। इनके अलावा तीसरी बार अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी आज अपना नामांकन भरा। स्मृति ईरानी ने नामांकन से पहले जोरदार रोड शो किया, जिसमें उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव समेत कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। अब की बार जो है मोदी जी को हम लोग फिर से जो है तीसरी बार, ये गरीबों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, ये किसानों की सरकार है, ये युवाओं की सरकार है, जो तीसरी बार फिर से आने वाली है। और हम लोग सारी मातृशक्तियों ने ठाना हुआ है कि मोदी जी को फिर से हम तीसरी बार अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कि जिससे कि हमारा देश जो है सुरक्षित रहे, दंगा मुक्त रहे, भय मुक्त रहे, हर महिला को लाभ मिलता रहे, हर किसान को लाभ मिलता रहे, हर युवा के हाथ में काम हो और किसानों के खेतों में फसलें हो, जिससे कि जनता जनार्दन खुश रहे। अब की बार 400 बार दीदी स्मृति ईरानी को हम लोग यहाँ से 4 लाख वोटों से जिताकर सांसद भेजने वाले हैं। अपना एक कमल का फूल मोदी जी के सम्मान में अमेठी से भेजकर पुनः भाजपा की सरकार बनाने के लिए अक्सर हैं हम। एक तरफ जहां देश में चुनावी पारा हाई है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी तेज हो चला है। इस चुनावी मौसम में सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के नेता तमाम अखबारों और टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं, और इसी तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए खुद पर ध्रुवीकरण वाले बयान देने पर विपक्ष को दो टूक जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए कांग्रेस ने कानून लाकर संविधान का उल्लंघन किया है, क्या ये ध्रुवीकरण नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर दिए अपने बयान पर कायम रहे कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये साफ है कि समुदायों के लिए अलग अलग कानून बनाना समाज के लिए घातक है। हम ऐसा राष्ट्र नहीं बन सकते जहां संविधान की मदद से एक समुदाय तरक्की करे जबकि दूसरे समुदाय तुष्टीकरण की वजह से भंवर में ही फंस कर रह जाएं। हम भारत में यूसीसी को लागू करने को लेकर भरसक प्रयास करेंगे।
पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार जीत कर केंद्र में सरकार बनाने पर विश्वास जताते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हमें 400 से ज्यादा सीटें जीतनी है, ताकि इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का आरक्षण और उनके अधिकार छीनकर अपने वोट बैंक को देने के विपक्षी दलों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। पीएम मोदी ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और विरासत टैक्स को लेकर कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह का समाधान है, ये असल में खतरनाक है। अगर सरकार धन के डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर आपका पैसा छीन ले तो क्या आप दिन रात कड़ी मेहनत से काम करेंगे? इस तरह के कॉन्सेप्ट स्टार्टअप्स क्रांति को खत्म कर देंगे और ये विपक्ष के लिए अपने वोट बैंक को खुश करने का एक तरीका है। मोदी ने कहा कि इस तरह के कॉन्सेप्ट से सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संविधान सभी अल्पसंख्यकों की संपत्तियों की रक्षा करता है। इसका मतलब है कि जब कांग्रेस संपत्ति के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है, वो अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को छुएगी तक नहीं। कांग्रेस धन के बंटवारे के लिए वक्फ की संपत्तियों की तरफ भी देख नहीं सकती, लेकिन उसकी नजर अन्य समुदायों की संपत्तियों पर होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रोजाना बीजेपी के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार करने में लगे हैं। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी ने शिकायत में कहा कि अमित शाह ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण खत्म करने को लेकर कोई बात नहीं की है। जो वीडियो वायरल किया जा रहा है वो फर्जी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि असली वीडियो में अमित शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों के लिए असंवैधानिक आरक्षण हटाने की बात कही थी। अमित शाह के भाषण का एडिटेड वीडियो वायरल हुआ है। तेलंगाना की रैली के वीडियो से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है बीजेपी ने। वीडियो से लग रहा था कि शाह आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। बीजेपी और गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। पुलिस की स्पेशल सेल साइबर विंग IFSO यूनिट ने FIR दर्ज की है। IPC और IT एक्ट की धारा 66C के तहत केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक्स और फेसबुक से जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने एक्स और फेसबुक से पूछा है कि किस अकाउंट से वीडियो पोस्ट हुआ है। आपको बता दें कि ये वीडियो कांग्रेस के अकाउंट से भी एक्स पर पोस्ट किया गया था, जिस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर जानबूझकर गृह मंत्री अमित शाह का एडिटेड वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। अमित मालवीय ने कहा कि इस तरह के वीडियो से बड़े पैमाने पर हिंसा होने की आशंका है। वहीं फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस को बीजेपी और गृह मंत्रालय की ओर से शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल साइबर विंग IFSO यूनिट ने FIR दर्ज की है। जिसके बाद खबर ये है कि दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के एडिटेड वीडियो को लेकर एक्स और फेसबुक को लेटर लिखा है। साथ ही दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी मांगी है कि ये एडिटेड वीडियो किस अकाउंट से पोस्ट किया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली कांग्रेस दो फाड़ हो गई है। कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली ने अपने करियर में दूसरी बार दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे की कई वजहें भी सामने आ रही हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन सबसे पहला कारण बताया जा रहा है। पुराने साथियों को टिकट न देना भी एक बड़ा कारण है। साथ ही कन्हैया कुमार को टिकट दे दिया गया है। दिल्ली कांग्रेस में आपसी कलह जैसी वजहें शामिल हैं, हालांकि कांग्रेस ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे में लवली ने कहा है कि जिस आम आदमी पार्टी के कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, पार्टी ने उसी के साथ गठबंधन कर लिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था, वो अब पार्टी कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अब दिल्ली यूनिट का चीफ बने रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बताया तो ये भी जा रहा है कि लवली को पार्टी आलाकमान की तरफ से भरोसा दिया गया था कि पार्टी लोकसभा चुनाव में कई पुराने लोगों को टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि लवली खुद दिल्ली उत्तर पूर्व से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां से पार्टी ने कन्हैया कुमार को टिकट दे दिया, जिसे लेकर लवली सबसे ज्यादा नाराज है। लवली ने अपने इस्तीफे में दिल्ली के प्रभारी दीपक बाबरिया को भी निशाने पर लिया और उनके व्यवहार पर आपत्ति जताई। अपने मन की पीड़ा, और वो पीड़ा मेरी नहीं है, दिल्ली के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, उसको खत के जरिए अपने अध्यक्ष को लिख के भेज दिया है। और ये ठीक बात है, आप लोग बार बार सुबह से पूछ रहे हो,
कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेज दिया है। और जो लोग इस तरीके की भ्रांति फैला रहे हैं कि शायद मैंने किसी टिकट की नाराजगी से इस्तीफा भेजा है, तो ऐसा नहीं है। आज जिस प्रकार से अरविंदर लवली जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है, पहले तो दिल्ली से ऐसे प्रत्याशियों को उतारना जिनका ना दिल्ली से कोई वास्ता था ना उनकी पार्टी से कोई वास्ता था, इसीलिए कन्हैया कुमार से और उदित राज से नाराज होकर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बचे कुचे थे वो सड़कों पर थे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से कन्हैया कुमार, जिसने आतंकवादियों की पैरवी की है, नक्सलियों को शहीद कहा है, सुरक्षा बलों को बलात्कारी कहा है, ऐसे व्यक्ति को टिकट कैसे दिया गया? परंतु क्योंकि कांग्रेस का हाईकमांड चाहता था तो उनको टिकट दिया गया। और दूसरी विचित्र स्थिति ये थी कि जिस आम आदमी पार्टी का जन कांग्रेस को ख़त्म करते हुए हुआ, जिसने कहा शीला दीक्षित जी को जेल भेजेंगे, सोनिया गांधी को जेल भेजेंगे, जिनके साथ पंजाब में आज भी उनकी कुश्ती है, उनके साथ दिल्ली में मोहब्बत और दोस्ती कर दी आपने। वहीं जानकारों का ये भी कहना है कि लवली का कांग्रेस को अलविदा कहना पार्टी को बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि लवली दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा सिख चेहरा माने जाते हैं। और लवली के इस्तीफे के बाद, लवली के समर्थक और पार्टी में उनके आने के बाद जुड़े कार्यकर्ता दोनों ही खुश नहीं है। वहीं इसका नुकसान कांग्रेस को दिल्ली के तिलक नगर, हरिनगर, राजौरी गार्डन, लक्ष्मी नगर, सिविल लाइंस और जंगपुरा जैसे विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब आप कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों पर इसका नेगेटिव असर जरूर होगा। सेक्स स्कैंडल में फंसे पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के कई अश्लील वीडियोस वायरल होने के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। प्रज्वल और उनके पिता एसजी रेवन्ना के खिलाफ कर्नाटक के होले नरसिंहपुर पुलिस स्टेशन में सेक्सुअल हेरेसमेंट की शिकायत दर्ज कराई गई है। रेवन्ना के रसोइये की शिकायत पर पुलिस ने बाप बेटे दोनों को नामजद करते हुए आईपीसी की धारा 354A, 354D, 506 और 509 के तहत FIR दर्ज की है। इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेवन्ना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। तो सेक्स स्कैंडल मामले में एक्शन के बीच रेवन्ना के विदेश चले जाने की भी खबर है। पूर्व प्रधानमंत्री एसजी देवेगौड़ा के पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना। यौन उत्पीड़न और पीछा करने का सनसनीखेज आरोप है उनके ऊपर। महिलाओं को ब्लैकमेल किए जाने का भी दावा किया जा रहा है। स्टोर रूम में बुलाकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा है उन पर। आरोपों के बाद बाप बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए मामले में SIT का गठन किया है। मामला कर्नाटक के बड़े सियासी फैमिली से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक्शन में आई कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है। SIT का नेतृत्व ADGP रैंक के अधिकारी करेंगे, जिसमें एक महिला SP सहित 3 SP रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। रेवन्ना कर्नाटक के हासन सीट से JDS उम्मीदवार और मौजूदा सांसद हैं। इस सीट पर 26 अप्रैल को सेकंड फेज में वोटिंग हो चुकी है। इधर कर्नाटक में JDS के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही BJP ने इस विवाद से किनारा कर लिया है। प्रज्वल का मामला सेक्स स्कैंडल से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनके 1000 से ज्यादा वीडियो सामने आए हैं। जो रिकॉर्डिंग सामने आई है उनमें घर में काम करने वाली मेड से लेकर हाई प्रोफाइल महिलाएं हैं, उनका जबरन यौन शोषण करते हुए रिकॉर्डिंग की गई है। इन वीडियोस में प्रज्वल रेवन्ना को यौन शोषण करते और खुद ही इसकी रिकॉर्डिंग करते देखा जा सकता है। तो फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।